भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पवित्र एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है, और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और प्रत्येक मानव मात्र को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है, और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी, और इस संसार में धर्म, अर्थ तथा काम एवं अंत समय में मोक्ष पद को वह प्राप्त कर पाएगा। तो प्रत्येक मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, और दोनों ही पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष में जो एकादशी आती है उन सभी का व्रत सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को अवश्य करना चाहिए। इस बार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे पवित्र एकादशी के नाम से जाना जाता है तथा इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस बार पुत्रदा एकादशी पवित्र एकादशी का महापर्व 8 अगस्त 2022 सोमवार के दिन है, और सभी भक्तजन, माताएं बहनें, चाहे वो वैष्णव परंपरा को मानते हो या स्मार्त परंपरा को मानते हो, उन सभी को 8 अगस्त 2022 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस बार खास बात यह है कि श्रावण सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी का महापर्व आ रहा है। श्रावण सोमवार भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय दिन होता है, और एकादशी तिथि भगवान नारायण की परम प्रिय तिथि होती है। तो इस संयोग को एक प्रकार से हरि और हर के मिलन का पर्व माना जाएगा। हरि यानी नारायण का परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत है, हर यानी भगवान महादेव का परम प्रिय दिन श्रावण का सोमवार है। तो ऐसा दुर्लभ संयोग इस बार पुत्रदा एकादशी पवित्र एकादशी के दिन निर्मित हो रहा है। एकादशी तिथि का आरंभ 7 अगस्त 2022 रविवार की रात्रि 11:50 से हो जाएगा, जो कि 8 अगस्त 2022 सोमवार की रात्रि 9 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, और जो भक्तजन, माताएं बहनें 8 अगस्त 2022 सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, उनको अगले दिन यानी 9 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा करना है, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। क्योंकि कई भक्तजन, माताएं बहनें श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं, ऐसे में उन सभी के मन में एक ही प्रश्न रहेगा कि श्रावण सोमवार का व्रत और एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाए, या 16 सोमवार का व्रत और एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाए। तो हम आपको आज बताएंगे कि श्रावण सोमवार के साथ आपको पवित्र एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखना चाहिए। दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक एकादशी के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन प्रत्येक भक्तजनों को करना चाहिए। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए।
तथा इस दिन पराय अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल लहसुन प्याज का सेवन भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पति पत्नी को यानी वैवाहिक दंपत्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन यानी 8 अगस्त 2022 को सुबह आप जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग देवे, यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में आपको अपना बिस्तर छोड़ करके उठ जाना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करें, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रयास करें कि एकादशी के दिन आप पीले या पीतांबर वस्त्र धारण करें। मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक अवश्य लगाएं। तिलक आप जैसा भी चाहें वैसा लगाएं, कुमकुम का, चंदन का, भस्म का या जैसी भी आपकी रुचि है उस प्रकार से आपको अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम प्रभु की अर्चना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो अपने अंदर हमको सबसे पहले देवत्व सिद्ध कर लेना चाहिए। देवत्व का अर्थ होता है तन से पवित्र, मन से पवित्र और वस्त्र से पवित्र हमको, और पूरे स्वरूप को सुंदर तथा सुगंधित बना करके प्रभु की सेवा अर्चना करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। और एकादशी के दिन अपने नित्य का पूजन अर्चन करें, भगवान का विशेष इस दिन पूजन अर्चन भी करना चाहिए। आप चाहें तो एक चौकी की स्थापना करके, कलश की स्थापना करके भगवान नारायण का विशेष पूजन अर्चन कर सकते हैं, या आपके घर में ठाकुर जी की, बाल गोपाल जी की सेवा पूजा होती है, या फिर लक्ष्मी नारायण भगवान का आप नित्य पूजन अर्चन करते हैं तो एकादशी के दिन उनका विशेष पूजन अर्चन करें, उनको विशेष रूप से श्रृंगार धारण करवावे तथा उनको विशेष रूप से उस दिन भोग यानी नैवेद्यम अर्पित करें। दूध से बनी मिठाइयां और फल का भोग प्रभु को एकादशी के दिन लगाना चाहिए। सबसे पहले जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं उनको हाथ में जल, तुलसी पत्र और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख लेना चाहिए और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। अगर आप यात्रा में हैं, कहीं बाहर प्रवास पर है, तो ऐसी परिस्थिति में आप मानसिक रूप से भी यानी मन में सोच करके, निश्चय करके भी एकादशी व्रत का संकल्प धारण कर सकते हैं। अगर आप के मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना है तो आप इस संकल्प को अवश्य धारण करें, और यदि आपके मन में कोई कामना नहीं है तो भी आप संकल्प अवश्य धारण करें। यानी सकाम भाव से जब व्रत किया जाता है या निष्काम भाव से जब व्रत किया जाता है, दोनों ही परिस्थिति में व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। और एकादशी व्रत जो करता है उनको उस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल का उपयोग एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और किसी भी प्रकार का अभक्ष भक्षण का उपयोग भी इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल घर में बनाना भी नहीं चाहिए, और पूजन कार्य में भी इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। दशमी के दिन भी चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी दशमी और एकादशी दोनों ही दिन चावल का परित्याग आपको कर देना चाहिए। एकादशी के दिन जो फलाहार किया जाता है या फलाहार बनाया जाता है वह शुद्ध दूध की वस्तुओं से निर्मित करना चाहिए, या फिर फल ही सर्वोत्तम फलाहार माने गए हैं। गाय का दूध और फल जो कि सर्वोत्तम फलाहार के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी फलाहारी वस्तुएं होती है जो शुद्ध और सात्विक हो उनको आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी
मनुष्य को यानी भक्तों को असमर्पित वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। यानी जो भी वस्तु आप अपने लिए स्वयं बनाते हैं, जैसे फलाहार बनाते हैं या कोई भी वस्तु बनाते हैं, तो पहले प्रभु को भोग धरावे, यानी प्रभु को समर्पण कर देवे, उसके बाद अपने लिए उस वस्तु का उपयोग अथवा प्रयोग आपको करना चाहिए। इसी तरह एकादशी व्रत के फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और एकादशी का जो व्रत करता है उसको दाढ़ी कटिंग शेविंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है, और एकादशी के दिन आपको जो है नाखून भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि एकादशी और श्रावण का सोमवार दोनों ही एक साथ है। तो कुछ हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं, उसमें बताया हुआ है कि जो माताएं बहनें होती है उनको इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में इस प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं आया है, क्योंकि हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं, अतः उनका आपको पालन करते हुए व्रत से एक दिन पहले बाल धो करके अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र आपको बना लेना चाहिए। तथा एकादशी के दिन आपको जो है साधारण रूप से स्नान आदि नित्य कर्म करके, भगवान का पूजन अर्चन करके और व्रत का संकल्प धारण करके व्रत आरंभ कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तोड़ सकते हैं। कभी भी बिना स्नान किए या चप्पल जूते पहन करके तुलसी जी से पत्ते आपको नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही चूंकि एकादशी का व्रत बिना तुलसी जी के अधूरा माना जाता है, इसलिए आप आज्ञा लेकर के यानी तुलसी माता के सामने खड़े होकर के पहले बोल देवे कि आज एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, अतः मैं आपसे आज्ञा प्राप्त करना चाहता हूं कि आपके पत्ते में तोड़ करके पूजा में प्रभु के लिए उपयोग करूंगा। इस प्रकार आप तुलसी जी से पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही आपको इस दिन तुलसी जी का पूजन अर्चन करना चाहिए, तुलसी जी में जल भी आपको अर्पित करना चाहिए, तुलसी जी के यहां दीपक भी आपको लगाना चाहिए। साथ ही यदि आप पुष्प तोड़ते हैं तो पुष्प के सामने पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, उसके बाद पुष्प आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, श्रावण का सोमवार है, इसलिए आपको इस दिन बिल्व पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही आपको बिल्व पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए, क्योंकि बिल्व पत्र साक्षात भोले बाबा का, शिव जी का स्वरूप माना जाता है। तो श्रावण सोमवार के दिन बिल्व पत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। श्रावण सोमवार हो या फिर एकादशी हो, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर आए हुए याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, उसे खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटाना चाहिए। अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार आप उसे कुछ न कुछ दान अवश्य करें। साथ ही आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का यदि सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में आप पूजन न करें, आप व्रत अवश्य करें, व्रत के समस्त नियमों का भी आप पालन करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत भी आप कर सकते हैं, श्रावण सोमवार का व्रत भी आप कर सकते हैं। और आप जब व्रत करते हैं तो उस दिन आपके जो विचार है वो भी पवित्र तथा शुद्ध होना चाहिए। कायिक, वाचिक और मानसिक तीन प्रकार के पाप हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। कायिक का अर्थ होता है काया से यानी शरीर से किए हुए पापों को कायिक पाप कहा गया है। वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी से हम यदि किसी का दिल दुखाते हैं, वाणी से यदि गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, वाणी से अगर हम झूठ बोलते हैं तो इसे वाचिक पाप कहा जाता है। इसी प्रकार मानसिक पाप भी कहा गया है, यानी मन में यदि हम गलत विचार उत्पन्न करते हैं, गलत विचारों के माध्यम से भी पाप हो सकता है। इसलिए हम शरीर से, वाणी से, मन से, किसी भी प्रकार से एकादशी के व्रत वाले दिन या श्रावण सोमवार व्रत वाले दिन कोई भी पाप कर्म करने से बचना चाहिए।
अनजाने में यदि कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना अवश्य कर ले। और एकादशी और श्रावण सोमवार दोनों व्रत एक साथ है, तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि श्रावण सोमवार का जो व्रत होता है वो तीन पहर व्यतीत हो जाने के बाद में खोल लिया जाता है, लेकिन एकादशी का जो व्रत होता है वह अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद जब व्रत का पारणा करने का समय होता है उस दिन उसका पारणा किया जाता है। तो आप एकादशी का जब व्रत रखेंगे तो आप पूरे दिन व्रत रखे और शाम को जो श्रावण सोमवार का यदि आप पूजन अर्चन करते हैं तो वो भी आप पूजन अर्चन कर लेवे, भगवान का पूजन भी कर लेवे, भगवान को जो फल का आप भोग लगाते हैं भोले बाबा को वो भी आप लगा देवे, फल का प्रसाद आप ले सकते हैं। क्योंकि उस दिन पुत्रदा और पवित्रदा एकादशी है इसलिए अन्न का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि प्रसाद स्वरूप कोई अन्न आपने रखा है तो थोड़ा सा रख ले और अगले दिन जब आप पारणा करें तब उस वस्तु का भी ग्रहण आपको कर लेना चाहिए, यानी भोले बाबा का जो प्रसाद आपने तैयार किया है अगर आप एकादशी का व्रत भी करते हैं तो अगले दिन जब आप पारणा करेंगे यानी 9 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन सुबह 5:46 से लेकर के 8:46 के बीच में आपको व्रत खोलना है, उस समय आप श्रावण सोमवार से संबंधित जो वस्तु यदि आप खाना चाहते हैं तो उस समय खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एकादशी के दिन यदि श्रावण सोमवार और एकादशी दोनों का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फलाहार करके ही श्रावण सोमवार का और एकादशी का व्रत करना चाहिए, यानी इस दिन आपको गलती से भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप इस दिन भगवान भोले बाबा का, भगवान नारायण का, दोनों देवताओं का पूजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। यह आपकी आस्था है, आपकी परंपरा है, आप दोनों को मानते हैं तो दोनों का पूजन अर्चन करें, दोनों से प्रार्थना करें। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी लिखा हुआ है कि भगवान शिव के हृदय में भगवान हरि यानी विष्णु निवास करते हैं और विष्णु जी के हृदय में भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को इष्ट देवता मानते हैं, इसलिए हम किसी भी प्रकार से उनमें भेद बिल्कुल न करें। एकादशी और श्रावण सोमवार दोनों का ही व्रत है, दोनों देवताओं की प्रसन्नता के लिए ही हमको उस दिन व्रत रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में अन्न का सेवन वर्जित माना जाता है और श्रावण सोमवार में तीन पहर के बाद में अन्न का सेवन कर लिया जाता है, तो इसलिए आप उस दिन अन्न का सेवन न करते हुए अगले दिन जब पारणा करे तो उस समय अन्न का सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप अगले दिन यानी 9 अगस्त 2022 को चूंकि प्रदोष है और कई भक्तजन माताएं बहनें प्रदोष का व्रत करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रदोष का व्रत यदि रखना चाहते हैं तो फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, फल से या पंचमेवा से भी सूखा मेवा से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, जल और तुलसी जी के पत्तों से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है। अगर आप व्रत का पारणा अन्न से करना चाहते हैं, भोजन से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन पारणा वाले दिन मनुष्य को चावल का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चावल को हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में शास्त्रों में देव अन्न की संज्ञा दी गई है, इसलिए दशमी और एकादशी दो दिन तक हम चावल का परित्याग करते हैं, लेकिन हमको पारणा वाले दिन चावल अवश्य ही उपयोग करना चाहिए। तो अगर आप 9 अगस्त 2022 मंगलवार को प्रदोष का व्रत रखेंगे तो शाम के समय जब पूजन अर्चन करेंगे तब आप भोजन कर लेवे और उस भोजन में आपको चावल का उपयोग कर लेना चाहिए। इस प्रकार आपको एकादशी व्रत के समस्त नियमों का पालन कर लेना चाहिए। अगर कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड या रजस्वला अवस्था में आती है तो वो व्रत तो कर सकती है, लेकिन पूजन पाठ करना और भगवान का स्पर्श करना वर्जित माना जाता है, इसलिए आप भगवान का पूजन अर्चन मासिक धर्म की अवस्था में बिल्कुल ना करें, व्रत के सभी नियमों का पालन करें। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है,
पूरी रात जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन किया जाता है। भगवान के पवित्र स्तोत्रों का, जैसे गोपाल सहस्त्रनाम का, विष्णु सहस्त्रनाम का या फिर अन्य पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन इत्यादि किया जाता है। रात्रि में भजन करने का भी विधान है, कीर्तन करने का भी विधान है। और इस प्रकार यदि इस विधि से आप श्रावण सोमवार और पुत्रदा पवित्र एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान भोले बाबा के साथ साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की भी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त, पवित्र एकादशी के निमित्त या श्रावण सोमवार के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पवित्र एकादशी का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।